जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम 2022 में हुआ था उसका प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूँ, जिससे आपकी परीक्षा में आने के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा चांस बनते हैं। और सब्जेक्ट इसका प्रॉब्लमेटिक सॉयल एंड देयर मैनेजमेंट है, जो फोर्थ सेमेस्टर में एक कोर्स होता है। और ये 50 क्वेश्चन का बुकलेट सीरीज मैं लेकर आया हूँ, जो मैक्सिमम 60 नंबर की है रहने वाली है। तो आप 1 से 50 तक लास्ट तक देखेंगे वीडियो को। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर से संबंधित सभी नोट्स और वीडियो इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों तो इस पेपर को देख सकते हैं, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी में एक ही सिलेबस फिफ्थ डीन कमेटी का चल रहा है। तो आपके किसी भी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पेपर रिपीट हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फसलों के दिए गए सेट की मिट्टी की लवणता की सहनशीलता सही क्रम है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो इसमें राइट आंसर ए रहेगा, जौ ग्रेटर देन गेहूं, ग्रेटर देन अपलैंड धान और ग्रेटर देन बीन्स। तो ये राइट आंसर ए वाला इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन इसमें कौन सा राइट रहेगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जोधपुर में, ऑप्शन बी दिया है करनाल में, ऑप्शन सी दिया है देहरादून में, और ऑप्शन डी दिया है हैदराबाद में। तो इसमें राइट आंसर जो आपका रहने वाला है वो करनाल, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्षारीय मिट्टी की SAR है तो क्षारीय मिट्टी की SAR कितनी है? तो इसमें ऑप्शन आपका दिया है लोअर देन 15 और फिर ग्रेटर देन 15 और फिर लोअर देन 13 और ग्रेटर देन 13। तो राइट आंसर इसमें कौन सा रहने वाला है? तो राइट आंसर बी वाला रहेगा, ग्रेटर देन 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लवण सहनशील फसल है तो लवण सहनशील फसल कौन सी है? तो इसमें राइट फसल जो हो जाएगी, ऑप्शन इसमें 4 दिए हैं, ऑप्शन ए है चुकंदर, ऑप्शन बी है जई, ऑप्शन सी है मटर और ऑप्शन डी है धान। तो लवण सहनशील फसल जो है वो कौन सी हो गई? वो धान हो जाएगी दोस्तों, कौन सी होगी? तो राइट आंसर इसमें दोस्तों धान सॉरी नहीं होगा, ये मटर होगा। राइट आंसर मटर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लवण प्रभावित मिट्टी को विद्युत चालकता और उनके समाधान निकालने की सोडियम सामग्री के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए कहता है 2, ऑप्शन बी कहता है 3, ऑप्शन सी कहता है 4 और ऑप्शन डी कहता है 5। तो राइट आंसर इसमें 4 हो जाएगा। और दोस्तों, जो स्टूडेंट गूगल करेंगे उनको 5 भी आंसर मिल सकता है, लेकिन राइट आंसर इसमें 4 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट के अनुसार अपना उत्तर दीजिए। तो राइट आंसर इसमें कौन सा रहेगा? तो इसमें ऑप्शन ए दिया है, विनिमयशील, विनिमय ए प्लस 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 के साथ मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है, ऑप्शन बी है विनिमय एच प्लस के साथ मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है, ऑप्शन सी है विनिमय सी प्लस प्लस के साथ मृदा क्षारीयता बढ़ जाती है, और ऑप्शन अगला है विनिमय ए प्लस 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 के साथ मिट्टी की क्षारीयता बढ़ जाती है। तो राइट आंसर इसमें कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन इसमें कहता है कि ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड थर्ड राइट है, ऑप्शन बी कहता है ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड राइट है, ऑप्शन सी कहता है ऑप्शन सेकंड और थर्ड राइट है, और ऑप्शन डी कहता है थर्ड और फोर्थ राइट है। तो इसमें राइट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा आंसर? तो इसमें राइट आंसर जो है फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, तो यही फर्स्ट और सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है 7 नंबर क्वेश्चन, अम्लीय मृदा पाई जाती है तो अम्लीय मृदा पाई जाती है तो काहे में पाई जाएगी? तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 7 का? तो ऑप्शन इसमें दिया है शुष्क क्षेत्रों में, बी ऑप्शन आर्द्र क्षेत्रों में, सी ऑप्शन आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में, और डी ऑप्शन आता है उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर, आर्द्र क्षेत्रों में अम्लीय मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर, भोपाल में जो है वो मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
विद्युत चालकता मीटर मापता है। तो क्या मापता है विद्युत चालकता मीटर? तो ऑप्शन इसमें है मिट्टी में कुल नमक, नेक्स्ट ऑप्शन आता है मिट्टी में घुलनशील नमक, ऑप्शन सी आता है दोनों नमक, और ऑप्शन डी आता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन जो बी इसका है वो राइट रहेगा, मिट्टी में घुलनशील नमक को मापता है विद्युत चालकता मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विद्युत चालकता की माप के लिए प्रयुक्त इकाई है, तो कौन सी इकाई प्रयुक्त की जाती है विद्युत चालकता की माप के लिए? तो ऑप्शन ए कहता है DSM-1, तो राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन ए जो होता है DSM-1। क्वेश्चन अगला आता है कि लवणीय मृदा में डैश की अधिकता होती है, तो लवणीय जो मृदा होती है उसमें किसकी अधिकता होती है? तो इसमें जो होती है लवण की अधिकता होती है, तो ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लवणीय क्षारीय मृदा का पीएच सदैव होता है, तो कितना होता है पीएच सदैव? तो इसमें ऑप्शन आपका कहता है 8.5 से अधिक, ऑप्शन बी कहता है 8.5 से कम, ऑप्शन सी कहता है चर, और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लवणीय क्षारीय मृदा का जो पीएच होता है दोस्तों वह जो होता है 8.5 से अधिक होता है, तो राइट आंसर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट आता है क्षारीय मिट्टी का ESP किसके साथ बढ़ता है? तो क्षारीय मिट्टी का ESP जो है किसके साथ बढ़ेगा? तो इंक्रीज इन ESR, ऑप्शन ए ही राइट इसका भी रहेगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ESR में वृद्धि के कारण जो होता है बढ़ता है, तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट आता है लवण प्रभावित मिट्टी पर छाया का प्रावधान, तो छाया का प्रावधान, तो ऑप्शन इसमें कौन सा राइट रहेगा? तो 14 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं वाष्पीकरण कम कर देता है, ऑप्शन बी कहता है वाष्पीकरण बढ़ाता है, ऑप्शन सी कहता है लवणों की ऊर्ध्व गति बढ़ाता है, और ऑप्शन डी कहता है लवण की अधोमुखी गति को कम करता है। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, वाष्पीकरण दर कम कर देता है, तो राइट आंसर इज अ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मृदा विज्ञान में ESP का संक्षिप्त रूप का अर्थ है, तो संक्षिप्त रूप का अर्थ मृदा विज्ञान में ESP का, तो ESP का जो संक्षिप्त रूप है वो ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा, विनिमयशील सोडियम परसेंट, तो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज होता है, ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट आता है अम्लीय मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलें डैश से पोषक तत्वों की कमी के कारण नष्ट हो जाती हैं, तो इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन ए कहता है एल्युमिनियम विषाक्तता, और बी कहता है सोडियम विषाक्तता, सी कहता है ऑक्सीजन विषाक्तता, और डी कहता है नाइट्रोजन विषाक्तता, तो ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर, एल्युमिनियम विषाक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से लवणीय मृदाओं में किसकी कमी होती है? तो लवणीय मृदाओं में जो होती है वो किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की होती है, या सल्फर, या ऑक्सीजन, या कैल्शियम? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा लवणीय मृदाओं में जो होता है नाइट्रोजन की कमी होती है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है किस प्रकार की मिट्टी की अम्लता को मिट्टी के पीएच द्वारा मापा जाता है? तो किस प्रकार की? तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर इसमें बी वाला हो जाएगा, सक्रिय अम्लता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चूने की क्षमता का प्रस्ताव किसने दिया? तो चूने की क्षमता का प्रस्ताव किसने दिया था? तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन दिया है बेकेट, नेक्स्ट ऑप्शन है स्कोफील्ड, नेक्स्ट ऑप्शन है राम मूर्ति, और डी ऑप्शन रिचर्ड्स है, तो राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, स्कोफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है CaO का कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्य, मतलब CCE मान क्या है? तो क्या होगा मान इसका? तो ऑप्शन इसमें दिया है 108, नेक्स्ट ऑप्शन 136 दिया है, और नेक्स्ट ऑप्शन 179 दिया है, और डी ऑप्शन 60 दिया है, तो राइट आंसर इसमें कौन सा रहेगा? तो राइट आंसर जो है 179 होगा, ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट आता है जिप्सम आवश्यकता शब्द का प्रस्ताव किसने दिया? तो जिप्सम आवश्यकता प्रस्ताव का जो शब्द है वो किसने दिया था? तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर इसमें जो है वो ऑप्शन 4 दिए हैं, सुनोवर, स्कोफील्ड, राम मूर्ति, और सोमकर इत्यादि, तो राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, सोनोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस मिट्टी के सुधार के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है?
तो जिप्सम का उपयोग किस मिट्टी के सुधार के लिए किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन आपका क्षारीय मिट्टी है, लवणीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी और उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो ये राइट आंसर आपका ए वाला रहेगा, जिप्सम का सुधार जो डाला जाता है वो क्षारीय मिट्टी में, क्षारीय मिट्टी के सुधार के लिए, और पायराइट भी होता है और चूना जो होता है अम्लीय मिट्टी के लिए डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मामूली सीमा वाली अच्छी भूमि की क्षमता वर्ग है, तो कितना क्षमता वर्ग है? तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन ए कहता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में लवणता को मापा जाता है? तो लवणता को किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा? तो इसमें ऑप्शन दिया है सोडियम अधिशोषण अनुपात, बी ऑप्शन पीएच दिया है, और सी ऑप्शन विनिमयशील सोडियम परसेंटेज दिया है, और डी ऑप्शन विद्युत चालकता। तो राइट आंसर विद्युत चालकता हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लवणीय मृदा का पीएच मान होता है, तो लवणीय मृदा का पीएच मान, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, और इसमें सेकंड आंसर आपका सही रहेगा, 8.5 से अधिक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 26 नंबर क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं डिस्क्राइब करूंगा, और वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना उस वीडियो से भी रहेगी। नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।